हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, दिस इज प्रीतम। सो गाइस, वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर पे बनाया था एंड उसके बाद मेरा एडिटर जो था वो देखा वीडियो में इतने ज़्यादा साउंड में दिक्कत आ रही थी जिसके वजह से डिस्टर्ब आ रही थी, तो जिसके वजह से मैं फिर से अब मैं जहाँ पर आया हूँ वहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ आप लोगों के लिए बस मोबाइल पे। ओके, सो गाइस, आज के डे में जो मार्केट का मूवमेंट देखने के लिए मिला वो थोड़ा सा मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ, तो उसमें आप लोगों को चीजें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है आज के डे में, अगर मैं मॉर्निंग का कैंडल आप लोगों को दिखाऊं तो मॉर्निंग का कैंडल पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग में मार्केट एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर एक कैंडल देखने के लिए मिला, वो है हमारा 2G। ओके सॉरी, यहाँ से ब्रास ले लेता हूँ मैं। ओके, वो है हमारा यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन कैंडल देखने के लिए मिले, वो है आपका हैमर। ओके, सो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन मार्केट ने हैमर बनाता है एंड वो हैमर को अगर देखेंगे मार्केट ने अगर ब्रेक किया एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर एक लो लेवल का SL लगा के हम यूज़ कर सकते थे ना, तो यहाँ से बहुत बेहतरीन एक ट्रेड भी हमें मिल सकता था। ओके, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और इंतज़ार किया ए एरिया पर। ओके, क्योंकि ए एरिया पर फिर से दिखा गया एक दोबारा यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के लिए दिखा, लेकिन यहां पर मैंने थोड़ा सा आज के डे में पुट का प्लान भी किया था एंड उसी बेसिस पे आप देखेंगे अगर 5 मिनट का अगर जोन देखा जाए तो यहां पर ब्रेक भी कर दिया था। यहां पर एक बहुत बेहतरीन ट्रेंड से, क्योंकि आप मॉर्निंग से मार्केट देखेंगे तो एक ट्रेंड पे नीचे आया, उसके बाद एक प्राइस एक्शन से ऊपर गया, तो लाइक दैट वहां से एक फॉल उसको शायद आना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना छोटा सा मैंने जब देखा यहाँ से अप डाउन हो रहा है तो यहाँ से ही मैंने समझ गया था नहीं, ये जो बनाया यहाँ पर जो हैमर वाला पैटर्न बनाया ना, तो ये हैमर वाला पैटर्न बहुत ही ज़्यादा उसको बायर्स को यहाँ पर एक्टिव दे कर रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन की वजह से मैंने यहाँ पर पोजिशन को एग्जिट किया एंड साथ में आप लोग अगर स्टिल मेरा टेलीग्राम चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, बहुत बेहतरीन वहाँ पर सारे के सारे लर्निंग सीखने के लिए मिलता है। ओके, तो अभी यहाँ से हम लोगों को जो देखने के लिए मिला ना, यहाँ से हम लोगों को आगे का जो ट्रेड देखने के लिए मिलेगा, 1 मिनट गाइड, बहुत मतलब फर्स्ट टाइम मैं मोबाइल से ही ये सारे के सारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को मतलब शायद टाइम ज़्यादा लग रहा है मुझे ये सारे के सारे चीज़ अंडू कहाँ पर होता है। ओके राइट, अंडू कर देते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर और ज़्यादा थोड़ा अंडू कर देते हैं तो चला जाएगा सारे के सारे। ओके, तो यहाँ पर देखने के लिए अभी ये जो हैमर को मैंने आप लोगों को दिखाया, अभी आगे का मूव क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या होता है, मार्केट यहां पर एक सपोर्ट लिया, बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट ने यहां पर एक सपोर्ट लिया। ओके, एंड उसके आगे मार्केट क्या करता है, यहां पर अब मैंने ऑलरेडी बोला आपको एक हैमर पैटर्न यहां पर बन गया था जो एक क्या समझा रहा था, यहां से एक सपोर्ट है, लेकिन मार्केट क्या करता है एरिया पे एक रेजिस्टेंस खड़ा कर दिया। ओके, एरिया पे एक रेजिस्टेंस खड़ा कर दिया, लेकिन मार्केट उसके बाद दूसरे वाला जो रेजिस्टेंस ऊपर जाता है तो यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस ले लेता है। ओके, एंड उसके बाद फिर से बायर्स ने यहां पर कोशिश करता है, लेकिन यहां से आप देख सकते हैं फिर से एक बहुत बेहतरीन रेड कैंडल नीचे की तरफ, ए वाला जो कैंडल मैंने इसके बारे में बात कर रहा हूं, फिर से उसमें सेलर लोगों ने कोशिश किया, लेकिन फिर से जो अगला बायर कैंडल यही समझा दिया था नहीं मार्केट में आज तो अपवर्ड साइड का व्यू रखेगा या फिर साइडवाइज होगा। ओके, तो यहां से हमें आगे का जो हम लोगों ने प्लान बनाया था उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आगे का जो मूव हमें आगे देखने के लिए मिला तो यहां पर क्या दिखा, यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से इसने ब्रेक किया। ओके, बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एंड उसके बाद मैंने जो टेलीग्राम पर आप लोगों के सामने ने पोजीशन अपडेट किया था वो है लगभग आपका टाइम देखा जाए तो नियर अबाउट मैं यहां पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आज के दिन पे। ओके, तो यहाँ पर जो देखने के लिए मिल रहा था हमारे सामने वो था हम लोगों ने नियर बाई दिस जो यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए प्राइस नीचे की तरफ आया था ना, ए वाला सपोर्ट लेने के लिए, ये ब्रेकआउट होने के बाद जब यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेने के लिए आया था हमने कुछ ए एरिया पे आसपास मेरे सामने ए वाला एक कैंडल था जो मुझे ये समझा रहा था नहीं यहाँ पर एक बुलिशनेस आ चुका है। ठीक है, ए ए वाला कैंडल पर, लेकिन उसके बाद एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर
आया था जो रेड कैंडल आप लोग देख पा रहे हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोजीशन बना लिया था एरिया के आसपास, मुझे यहाँ पर बाइंग मिल गया था और हम लोगों ने प्रॉफिट करीबन एरिया पर बुक किया। ओके, एंड उसके बाद आगे का जो मूव था एरिया पर, हम लोगों ने मैंने खुद पोजीशन बनाया था, लेकिन ये मैंने पोजीशन किसी के साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि ये पोजीशन था बहुत फास्ट मूव था, ये पोजीशन शेयर करने के टाइम ही नहीं मिला है पोजीशन को शेयर करने के लिए। ओके, तो अभी यहाँ से तो एक बहुत बेहतरीन शॉर्ट कवर, जो शॉर्ट कवर भी इसको नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हाँ मार्केट में जो अपना पिछले डे का हाई था वो हाई को क्रॉस करके मार्केट ने लगभग ए एरिया के आसपास पहुंच गया। मतलब हमारा अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपना पिछले डे का हाई को क्रॉस किया। अभी मैं यहां से डेली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूं, तो यहां पर वन डे का टाइम फ्रेम मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, तो वन डे का टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आप लोगों को और चीज़ें समझ में आ जाएगा और मैं मतलब डेली टाइम फ्रेम पे कल का व्यू क्या बन सकता है। ओके, तो अभी यहां पर क्या समझ में आ रहा है, अभी यहां पर हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल जो है यहां पर ओके तो यहां पर जो रेजिस्टेंस लेवल है यहां पर यहां पर फिर से टाइम फ्रेम चेंज हो गया, एक्चुअली मैं अंडू करने गया यहां पर, एक्चुअली डिलीट कैसे करते हैं इसको, वन सेकेंड नहीं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, समझा पाऊंगा मैं यहाँ से। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है हमें, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल कहीं ना कहीं पे यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल कहीं ना कहीं पे यहाँ पर बैठा हुआ है एंड ये जो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जो पिछला डे का हाई था मार्केट ने क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्केट ने तीन चार दिन लगभग जो लास्ट वीक का जो एक नंबर कैंडल, ये दो नंबर कैंडल, तीन नंबर और चार नंबर, जो चार दिन मार्केट एकदम जो 20 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट ऊपर, 60 पॉइंट ऊपर, 101 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे ऐसा क्लोजिंग दे रहा था, वो एरिया के ऊपर जाके भी मार्केट आज के डे में क्लोजिंग दे चुका है। मतलब 650 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। ओके, तो अभी नेक्स्ट मूव क्या मिलने वाला है, तो उसी बेसिस पे हम आपके साथ सारे के सारे प्लान डिस्कस करेंगे। ओके, तो कल के डे में मार्केट में अगर कोई बुलिशनेस देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो हमारे सामने जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है हमारे सामने है 41,800 का लेवल, 41,800 का लेवल है हमारे सामने पहला रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, जो अभी तक मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है। ओके, तो ए लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है 41,800 लेवल से लेके 42,000 लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, तो एरिया पे हम लोग मार्केट का एक कंसोलिडेशन का इंतजार करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट यहां से तो एक अच्छा खासा मूव दिया, लेकिन ये जो एरिया है जो 41,800 का लेवल से लेके 42,000 का ये लेवल है, ये एरिया पे पूरा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो एरिया पे मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट करना जरूरी है, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट दे और हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहां पर पोजीशन का प्लान कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट एक ब्रेकआउट दे एरिया के हिसाब से और आगे हम एक प्लान बना सकते हैं, जो अगर 42,000 लेवल के ऊपर एक प्राइस एक्शन बेसिस पे हम यहां पर ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। ओके, तो आगे का लेवल हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जो फर्स्ट लेवल हमारे सामने देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका 42,300 का लेवल, 42,300 का लेवल आपका पहला टारगेट, सॉरी थोड़ा सा नीचे 300 का लेवल आपका पहला टारगेट, उसके बाद आपका 500 का लेवल यहां पर आ रहा है, 500 का लेवल, ये आपको दूसरा लेवल देखने के लिए मिला है, क्योंकि ये एरिया पूरा के पूरा शॉर्ट होके बैठा हुआ है, यहां पे सारे के सारे शॉर्ट सेलर्स बैठे हुए हैं, शॉर्ट कवर होके बैठा हुआ है। तो यहां पर जब भी प्राइस ऊपर भागेगा ना, तो जो न्यू सेलर्स थे, तो सॉरी जो न्यू बायर्स थे, तो वो क्या होगा, वो फिर से और क्योंकि एरिया पर और बाइंग करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर जिन लोगों ने ऑलरेडी सेल करके बैठे हुए थे, तो उन लोगों का बहुत फास्ट क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस काटेगा, तो इसके वजह से क्या होगा, बहुत फास्ट मूव हमें देखने के लिए मिलेगा एज ए जिसको बोला जाता है एज ए शॉर्ट कवर मूव। अभी मैं यहां से एकदम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चला जाता हूं, उसके पहले मैं यहां पे जितने भी चीज हुआ है सारे के सारे ड्राइंग को मुझे क्लियर करना पड़ेगा, बहुत फास्ट हम क्लियर कर लेते हैं ड्राइंग को। ओके, तो चीजें यहां पर और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा थोड़ा सा और। ओके, तो यहां पर हमें अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं चला जाता हूं, जहां पे हमें थोड़ा सा चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अभी यहाँ पर 15 मिनट, ओके। तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अपर साइड का व्यू क्या क्या मिल रहा है हमें, जो 800 का लेवल है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो 800 का लेवल है, 800 लेवल को प्राइस पहले क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हमें प्राइस को पहले लेवल को पहले क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके 800 लेवल को पहले क्रॉस करना है, 800 लेवल को पहले क्रॉस करना है, ओके। उसके बाद यहां से 800 से लेके 42,000 का लेवल है, यहां पर एक कंसोलिडेशन जरूरी है। हाँ, यहां पर 200 पॉइंट का जो रेंज है, ए रेंज के अंदर अगर मार्केट कंसोलिडेट करे तो एरिया से हमें एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल सकता है, ओके। तो जो एरिया में हमारे सामने टारगेट क्या क्या रहेगा, जो बोला मैंने 42,300 का लेवल 200 के बाद, यहाँ पर एक टोटल एक्चुअली देखा जाए तो हमारे सामने शॉर्ट सो के बैठा हुआ है टोटल एकदम 42,600 लेवल तक, 42,600 लेवल तक टोटल ये शॉर्ट होके बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल लेवल बन रहा है, जो छोटे मोटे यहाँ पर कुछ लोग बुकिंग भी करेंगे, तो उस सिचुएशन पे हमें 300 का एक लेवल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद 500 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 500 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल 500 लेवल पे हमें एक दूसरा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। अभी यहां से मैं फिर से आवरली टाइम फ्रेम पे, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूं, तो वहां पर मैं अगर मार्केट कल कोई डाउन साइड का व्यू ले लेता है तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या व्यू बन सकता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं अभी यहां पर पहुंच गया। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट में कोई गैप डाउन वगैरह कुछ आ जाता है, देखिए यूएस का डाटा भी आज आने वाला है, ओके, तो वो सारे के सारे चीजों के ऊपर थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा। और अगर अगर एंड ऑफ द डे का मूवमेंट और मतलब 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे का मूवमेंट के बारे में बात किया जाए, तो दैट इज अ पॉजिटिवनेस फ्रॉम द ग्लोबल सेक्टर ऑल्सो। मुझे लगता है अगर डे का एंड में अगर 2:30 से लेके अगर 3:30 के बीच में कोई अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है ना, तो दैट इज इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम ग्लोबल, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब क्या होता है, अगर 3:30 बजे आ रहा है तो भाई जो पोजीशन बना के जा रहा है तो वो कोई ना कोई चीज तो देख के जा रहा है ना, तो मतलब हमारे तो भाई हाँ 10 लॉट 20 लॉट 30 लॉट हम लोग बाय करते हैं, लेकिन ठीक है जिन लोगों के सामने कुछ करोड़ों क्वांटिटी बैठा हुआ है, करोड़ों लाख, तो उनके सामने व्यू भी ऐसा तरीके से वो मेंटेन करेंगे, ओके। तो ये सारे के सारे चीजों के ऊपर अगर देखते हुए काल के डे में अगर मार्केट ने कोई गैप डाउन बिहेवियर मेंटेन करता है, तो उस सिचुएशंस पे हमारे सामने क्या क्या व्यू बन सकता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ओके। तो यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा सा आप लोग आज के डे में एडजस्ट कर लीजिए। तो यहां पर गैप डाउन सिचुएशंस के केस में हमें ये देखने के लिए मिलेगा, कल जो लेवल है 41,200 का लेवल, ठीक है, 41,200 का लेवल सबसे हाईएस्ट सपोर्ट जोन है, ठीक है, लोएस्ट सपोर्ट जोन है, जिसके नीचे हम लोगों को क्या क्या टारगेट दिखने के लिए मिलेगा, वो रहेगा आपका पहला साइकोलॉजिकल लेवल 41,000 का लेवल देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद रहेगा आपको 41,800 एंड उसके नीचे 600-500 तक दो लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो अभी मैं फिर से यहां से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चला जाता हूं, जिसमें आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या क्या वहां पर स्प्लिट होके आ सकता है लेवल्स वो प्रॉपरली दिख जाए, ओके। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं पहुंच गया, यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोग यहां पर जो लेवल्स मैंने आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो है आपका, अगर यहाँ पर मतलब जल्दबाजी से कोई शॉर्ट का पोजीशन बनाइएगा मत, क्योंकि अगर गैप डाउन कोई कभी भी अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप मतलब और डाउन हो जाता है ना, तो उस सिचुएशंस पे क्या करना है आपको, प्राइस एक्शन का बिहेवियर फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर कल के डे में अगर कोई गैप अप गैप डाउन अगर हो जाता है, तो हम लोगों का जो सेल अपॉर्चुनिटी बन सकता है वो हाईएस्ट सेल मतलब एग्रेसिव सेल होगा वो 41,200 लेवल के नीचे, ओके, 41,200 लेवल के नीचे होगा सबसे एग्रेसिव सेल। अभी उसके पहले अगर यहां से कोई मार्केट एम पैटर्न बनाया, ठीक है, अगर मॉडरेट ओपन होके, तो यहां से हम लोग एक छोटा सा शॉर्ट का प्लान बना सकते हैं, जो आपको करीबन 500 के नीचे छोटा सा शॉर्ट का प्लान बना सकते हैं, जो करीबन आपको यहां पर 200 पॉइंट का टारगेट 400, लेकिन वहां पर आप बहुत ही कैशंस के फॉलो करके ही ट्रेड लीजिएगा। यहां पर कोई एम पैटर्न यहां पर या फिर कोई भी प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट अपना हायर लोज बनाते हुए नीचे आ रहा है, तो एक ट्रेड यहां पर बन सकता है, ठीक है, अगर मॉडरेट ओपन होके, लेकिन मॉडरेट ओपन होके यहां पर प्राइस एक्शन बनना जरूरी है, लाइक दैट एम पैटर्न हो गया, लोअर लो बनना हो गया, ओके।
लेकिन अगर मार्केट का गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर भी प्राइस एक्शन फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट लगभग 41,200 के पास ओपन होता है तो यहाँ पर प्राइस को थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए। यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए मार्केट तो उसके बाद अगर उसका रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे तो वहाँ पर हमें अपर साइड का टारगेट एक मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मार्केट मतलब यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाते हुए रेंज बनाते हुए एक 41,400 से लेके 200 के बीच में एक रेंज बना दे, 300 के बीच में एक रेंज बना दे, ओके, तो उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे तो उस सिचुएशंस पे हमें एक नीचे का टारगेट जो 41,000 का जो साइकोलॉजिकल जो हमारा 41,000 राउंड नंबर होता है तो एक लेवल, उसके बाद 800 का एक लेवल, उसके बाद हमें 600 एंड उसके बाद 500 आगे आगे लेवल हमें दिख सकता है। लेकिन मेरा व्यू के हिसाब से कल मुझे लगता है मार्केट का एक अपर साइड का व्यू शायद देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो थैंक यू गाइस एंड थैंक यू फॉर एडजस्टमेंट। ओके, सो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड स्टिल आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड स्टिल आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप फॉलोइंग योर रिस्क मैनेजमेंट।